हाल है आपका? हम सब ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप घी और हम इसमें डाले हैं प्याज, अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से। ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। व्यूअर्स, आज मौसम अच्छा है इसलिए हमने कहा चिकन बिरयानी अपने व्यूअर्स से शेयर करें। हमारे प्याज ब्राउन हो गए, हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। बिरयानी बनाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको बताते हैं कैसे बनती है रेसिपी। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, अब ये चिकन हम ब्राउन कर रहे हैं। जब हम चिकन को भून लेंगे तो हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे नेशनल कढ़ाई गोश्त मसाला। वैसे तो ये कढ़ाई गोश्त वाला मसाला है, इसमें चावलों में नहीं डलता, लेकिन हम इसमें डालते हैं, इससे चावलों का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें डाल दिया है मसाला, हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल नमक। अब हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है, अब इसमें पानी डाल के इसको नाप के रख देंगे और गोश्त निकलने का इंतजार करेंगे। चावल सब लोगों की फेवरेट डिश होती है, मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद है। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसको ढाँप के रख देंगे। हम 10-20 मिनट बाद चिकन हमारा गल जाएगा और हम आपको बताते हैं बाद। पर हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने 3 गिलास चावल लिए हैं और इसमें हम इससे डबल पानी डाल देंगे, 6 गिलास। हमने इसमें पानी डाल दिया है, जैसे ही ये बॉयल होना शुरू होगा हम इसमें डालेंगे चावल। हम साथ साथ रायता और सलाद भी बना रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पानी बॉयल हो गया है, हम इसमें चावल ऐड करेंगे, हम इसमें चावल डाल रहे हैं। हमने इसमें चावल डाल दिए थे, अब ये बॉयल होने शुरू हो गए हैं। जैसे ये पानी कुछ होने लगेगा हम इसको दम दे के खड़ा देंगे। हम इसका नमक भी चेक करेंगे, क्योंकि नमक अगर कम हो तो इसमें डाल सकते हैं, नमक कम हो तो चावल अच्छे नहीं लगते, इसलिए नमक और मसाला हम चखते रहेंगे ताकि ये चरारे बने। पानी कुछ होना शुरू हो गया है, अब हम इससे इसका दम दे देंगे। बिरयानी में कलर डालने से वो खूबसूरत को उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, वो खूबसूरत हो जाता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कलर डालते हैं। हमारे चावलों को दम है, इतनी देर में हमने सलाद और रायता तैयार कर लिया है। शामी के साथ पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी, बिरयानी के साथ शामी तो बहुत अच्छी लगती है, उसकी रेसिपी हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने चावलों के दम आने तक शामी भी तैयार कर ली है, रायता भी और साथ ही सलाद भी, और बिरयानी बनने का तो इंतजार है। आज तो हमारा लंच बहुत अच्छा होगा, आए आप भी हमारे साथ लंच करें। चावल तैयार हो गए हैं और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंचे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। देखें आप, हमने इसके साथ
नाश्ता शामी रायता सलाद वगैरह सब कुछ बनाया है और हम इसे खाने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।